मुंबई इंडियंस ने ट्वीट करा है अभी, उसको दिखा दीजिए, मैं आपको भेज भी देता हूँ। ये एक बड़ा ट्वीट है जहाँ पे उन्होंने एक हिंट ड्रॉप किया है कि शायद रोहित शर्मा वापस आने वाले हैं। मुंबई इंडियंस ने ट्वीट करा, चिंता मत करो वो बैटिंग करेगा। शिवानी शुक्ला करके एक फैन है, उन्होंने ट्वीट करा है कि यंग MI फैन ने शाउट करा कि रोहित शर्मा के बारे में बताया, तो अंबानी साहब ने वहां पे बोला चिंता मत करो वो बैटिंग करेगा। इट वॉज अ ह्यूज मोमेंट देयर। तो ये आप दिखा दीजिएगा रोहित शर्मा के ऊपर जो है यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं, और रोहित शर्मा की कोई स्टोरी भी आई है तो वो भी देख लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये दिखा दीजिएगा। हाँ, आप लखनऊ की बता रहे थे, टीम बता दीजिए। लखनऊ की तैयार पड़ी है, पिछली बार वाला कोर मेरे हिसाब से चल रहा है, और जो इंडियन बॉलर की इनको कमी खल रही थी, युद्धवीर सिंह चहल इनके पास एक नाम ऑलरेडी मौजूद है, यश ठाकुर ऑल्सो, यश ठाकुर भी, और शिवम मावी का आना एक एक्सपीरियंस देके जाता है। शिवम मावी के पास वो कुछ इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस भी आप कहते हो है। बाकी देखने वाली बात है कि भाई ये जो इन्होंने एम सिद्धार्थ को लिया है स्पिनर के बदले, अमित मिश्रा के आगे क्या एम सिद्धार्थ को आप फ्यूचर देखते हुए देखते करें। हाँ, आगे चलकर क्योंकि अगले सीजन में ट्वीट करा है। अब इसमें ना बड़ी सारी चीजें होती है, PR वगैरह भी होता है, बिकॉज मुंबई इंडियंस भी अपना PR बेटर करना चाह रही है, बिकॉज उनके भी 2-3 मिलियन फॉलोअर कम हो गए। हाँ। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, शिवानी शुक्ला ने किसी ने ट्वीट करा है कि देयर इज दिस यंग MI फैन, एक यंग MI फैन ने चिल्लाया कि रोहित शर्मा को वापस लाओ, तो आकाश अंबानी ने वहां पे बोला कि चिंता मत करो वो बैटिंग करेगा। तो मुंबई इंडियंस ने भी ये ट्वीट करा है, चिंता मत करो वो बैटिंग करेगा, और हार्ट का इमोजी, मतलब रोहित शर्मा खुद कुछ नहीं बोल रहे, यही मैं आपको बता रहा था ना। अंबानी साहब भी ट्राई कर रहे होंगे बोल के कि यार ठंड पाओ, कोई गलती नहीं है, टेंशन ना लो, लेकिन जब तक रोहित खुद ना कंफर्म कर देना तब तक बॉल इन हिज कोर्ट। हाँ, अंबानी साहब को ये पता भाई इनके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं होगी, रोहित के पास फुल स्क्रीन पे आ जाइए, रॉबिन दोबारा मतलब टू विंडो पे आ जाइए, अंबानी साहब को पता होगा कि इनके पास ये फंसे हुए हैं ना, हम इनको छोड़ना चाहते हैं, टीम में कहीं और जाएंगे, किस तरीके से खेलेंगे पता नहीं, लेगेसी इनकी मुंबई के साथ है, फिर BCCI भी क्या करेगी इनके साथ अगर मुंबई को छोड़ के चले गए। देखो, अंबानी को नाराज करना भी भाई बड़े सारी चीजें होती है, आपको पता है कि क्लाउट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, राइट। हर मुंबई इंडियंस का प्लेयर, तो हमें अभी तिलक वर्मा को देख लो, लगातार फ्लॉप हो रहा है, एशिया कप खेल गया, वनडे T20 भी नहीं खेला जा रहा, फास्ट ट्रैक होके आया, ईशान किशन लगातार फ्लॉप हो रहा है, MI प्लेयर है T20 खेल रहा है, सूर्य कुमार यादव लगातार वनडे में फेल हो रहा था, वनडे फाइनल खेल गया वर्ल्ड कप का, तो आपने देखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या मुंबई इंडियंस का इन्फ्लुएंस BCCI में भी है, तो क्या वो पंगा लेना अफोर्ड कर सकते हैं रोहित शर्मा। तो मुंबई इंडियंस भी सॉफ्टली यहाँ पे बोलना चाहती है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलेंगे, क्योंकि आकाश अंबानी का वहां पे कोट करा गया कि चिंता मत करो वो बैटिंग करेगा, लेकिन मतलब अंबानी साहब अगर कॉन्फिडेंट है भाई, ही हैज हिज वे, ज्यादातर यह है कि अगर उन्होंने ठान लिया कि नहीं भाई इधर ही खेलना है बाकी कहीं नहीं जाना, बोल क्या चाहिए, तो मोस्टली तो वो रह जाएंगे, लेकिन अगर रोहित शर्मा का इतना ही दिल पे लग गई है बात कि भाई साहब पैसा अपने पास रखिए, इज्जत से बड़ा कुछ है नहीं, मैच चला, तो यहां पे एक शख्स तो भाई पूरे IPL ना विराट की जर्सी ना DC की जर्सी, मैं रोहित शर्मा की जर्सी पहन के बैठूंगा अगर रोहित शर्मा ने मुंबई में छोड़ दिया, मैं तो चाहता हूँ छोड़ दे भैया, पैसे कहाँ है फिर उनको लेने के लिए, टीमों प्लेयर एक्सचेंज, अब तो प्लेयर एक्सचेंज ही हो सकता है, बट प्लेयर एक्सचेंज, देखो अगर रोहित शर्मा बोले कि मुझे जाना है तो हो जाएगा। DC किसको छोड़ेगी अगर वो आते तो? जिसको मर्जी छोड़ दे, वो किसी को भी छोड़ देंगे, देख लेना तुम, अगर रोहित के लिए तो कोई भी छोड़ देता है, पंजाब का बड़ा अच्छा ऑप्शन है वैसे अगर करना, तो ये पंजाब का शुरू हो रहा है जी, शुरू हो रहा है फिर से, पंजाब की टी शर्ट में अच्छे नहीं लगेंगे वो यार, यार पर लखनऊ की बात कर रहे थे, बट लखनऊ की बात कर रहे थे यार, लखनऊ सुपर जायंट्स की मतलब ना देवदत्त पडिक्कल के लिए काफी अच्छा हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स में, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने देवदत्त पडिक्कल को नीचे खिला के बड़ा वेस्ट किया था, मतलब वो टैलेंट ही वेस्ट हो गया, क्योंकि RCB से ओपनिंग करते हैं पडिक्कल ने कितना अच्छा करा था, अब यहाँ पे ओपन करके क्योंकि KL राहुल मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, तो पडिक्कल यहाँ पे ना सॉलिड स्टार्ट, इवन काइल मेयर्स भी अच्छा ऑप्शन है ओपनिंग के लिए अगर आप नहीं चाहो तो, कोई अनसोल्ड, चलो यार कोई नहीं लिया, फिर मनीष पांडे आएंगे क्या फिर से, अब कोलकाता है, कोलकाता ने बिड लगा दिया है,
फिर से धोनी ने बिड लगा दिया है केकेआर ने, मनीष पांडे, गौतम गंभीर जिन्होंने एलएसजी में लिया मनीष पांडे, और फिर से केकेआर में जा रहे हैं मनीष पांडे के लिए। मनीष पांडे केकेआर 50 लाख रुपए बेस प्राइस, मनीष पांडे सोल्ड टू केकेआर, नॉट बैड, अच्छी बात, अच्छी बात है, एक बैकअप बना उनका, नॉट बैड। राइली रूसो फिर से आए हैं, नहीं जाएंगे ये अनसोल्ड राइली द रूसो 2 करोड़ रुपए बेस प्राइस। ओ भाई साहब बहुत ऊपर रख दिया यार, बहुत ज्यादा है, 2 करोड़ रुपए बेस प्राइस लगा रखा है राइली रूसो। मनीष पांडे बड़ी खबर ये है, सोल्ड टू केकेआर फॉर 50 लाख बेस प्राइस। पिछली बार दिल्ली ने कितने में लिया था? 2 भाई ले लिया पंजाब, पंजाब किंग्स, पंजाब राइली रूसो, इसलिए बचाया था 2 करोड़। ये बंदा सही है, कुछ कह रहा है शांत रहो आप, नहीं ये कोई अच्छा तो राइली रूसो हर मैच में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करे थे, नहीं राइली रूसो दिल्ली के लिए खेलते होता तो नहीं किया था, आप याद कर लो जरा, नहीं यार खेला ही नहीं ज्यादा राइली रूसो, अच्छा किया यार। तुम्हारा दिल्ली क्यों आ गया बीच में लड़ने के लिए यार? तातैया हो दिल्ली को, अच्छा दिल्ली को मिडिल ऑर्डर बैटरी चाहिए, तातैया हो, पैसा किसके पास है? पैसा हमारे पास है, अरे दिल्ली को मिडिल ऑर्डर बैटरी के पास है, 12 करोड़ थोड़ा ज्यादा हमारे पास, वाह 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 वाह, 10 करोड़ दोगे राइली के लिए? राइली रूसो की किस्मत बदल नहीं यार, 10 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, राइली रूसो तुम ले लो, हम तुम्हारे को करवाएंगे बर्बाद, पर हमारे पास हम रेट बढ़ाएंगे और तुम्हें देके चिपकाएंगे, हमारे पास बेस्ट्रो है, लिविंगस्टन है, कहां खेलेगा राइली रूसो? हाँ तो हमारे यहाँ पे भी कहाँ खेलेगा, स्लॉट ही नहीं है, चेप दो दिल्ली को, चेप दो तुम दिल्ली को, दिल्ली को ना चेपना, पंजाब को चेपो, पंजाब को अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी के नाम बढ़ने चेपो, चेपो अंकल जी, पंजाब को चेपो, 3 करोड़ 60 लाख राइली रूसो का पहले अनसोल्ड किया था, बताओ 4 करोड़ गांगुली साहब पीछे 380, अरे वाह यार 4 करोड़, 4 करोड़ ये वही है ना कि यार वही मैं बोल रहा था, जैसे सैंडविच खा लिया नीचे जो ब्रेड का चूरा पड़ जाएगा वो आपको मिलेगा राइली रूसो, 420 दिल्ली 420 यार, इसके जवानी में बैठा नहीं जा रहा, बुढ़ापे में क्या होगा इसका, बता दिल्ली 420 440 पंजाब 420 मुबारक 440 राइली, कम ऑन राइली 440 पंजाब, आपको पंजाब में देना चाहिए टीम में, कम ऑन जगह किसी टीम में नहीं बन रही इसकी, बेचारे की जगह बन रही है टीम में।